मेरे दोस्तों ने मेरी मम्मी से ये कह दिया कि आपके जो बेटे हैं वो किसी लड़की से बात करते हैं और घंटे घंटों फ़ोन पे ये बात करते हैं, ठीक है, और ये सारा टाइम यहाँ आके वेस्ट कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत से इनको पढ़ने के लिए भेजा है और एक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत एक छोटी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मेरी माता जी इतनी दुखी हो गई, इतनी ज़्यादा मेरी मम्मी दुखी हो गई कि वो तुरंत जो है ट्रेन में जनरल का टिकट करा के वहाँ रांची पहुँची। उसको लगा सच में हमारा लगा हाथ से ना निकल जाए मेरे भाई, बहुत मेहनत से मुश्किल से पेट काट के पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब वो आई तो यहाँ पर जो है, हाँ मैं एक थी कोई मतलब एक फ्रेंड थी, उससे एक दो दिन ही बात हुई थी मेरी नॉर्मल, वो भी पढ़ाई को लेके, लेकिन वैसा केस था नहीं जैसा दोस्तों ने बना दिया, ठीक है। तो वहाँ पर जब मम्मी आई ना तो मैंने एक छोटी सी बात बोली उनको देखे कि देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मुझे बिगड़ना होगा तो आप रोक नहीं पाओगे, अगर मुझे सुधारना होगा तो आप बिगाड़ नहीं पाओगे। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे मेरे जीवन में जो कुछ करना है ना मुझे मेरा लक्ष्य पता है, ठीक है। आप रिजल्ट से मतलब रखिए, आपको रिजल्ट हम देंगे, बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं जीवन में उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए।